मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और फिर से एक बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से अब ओला, उबर और सिटी बस में भी पैनिक बटन लगाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये इलेक्ट्रिक बस है, जो सिटी बस है, यहाँ से चारबाग से चलकर ये अलग अलग इलाकों में जाती है और अलग अलग इलाकों में ये चलती है। इसके साथ ही इसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और देखेंगे, उनसे जानेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो उनसे बताया गया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब इसमें पैनिक बटन लगाया जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हुई तो कितना सही है, कितना सही है ये? सही है, आप बताइए क्या कहना। 100% सही रहेगा मैम। तो मतलब इससे आपको कुछ सुविधा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो महिलाओं को इससे सुविधा भी मिलेगी कि जैसे रात में इलेक्ट्रिक बस चलती है या और दिन में चलती है, उसके बाद भी अगर उनके साथ कोई मुश्किलें होती हैं तो इसको इलेक्ट्रिक बस में पैनिक बटन लगाकर ये 112 से कनेक्ट किया जाएगा। 112 तुरंत अलर्ट मोड पे आएगी और लोकेशन के हिसाब से वो वहां पर पहुंचेगी और बताएगी कि आपको क्या सुविधा चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर काफी समस्याएं लगातार देखी गई हैं। हम और लड़कियों से बात करते हैं, ये जो सुविधा दी जा रही है, पैनिक बटन लगाया जा रहा है, कितना सही है आप लोगों के लिए? सही है हमारे लिए तो। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था चाहती थी पहले से? यस सर, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी ना ट्रेवल करने में, शाम को टाइम निकलने नहीं देते थे घर से बाहर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये अच्छी चीज़ है लगाया गया, इससे देखा जा रहा है मतलब महिलाओं के लिए कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही है सरकार भी, तो अच्छी चीज़ है ये चीज़। ओला, उबर और सिटी बस, इन सभी जगहों पर अब पैनिक बटन लगाया जा रहा है जिससे महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। ओला उबर से भी आप ट्रेवल करती होंगी और सिटी बस से आप ट्रेवल कर रहे, क्या कहना चाहेंगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? मैम अच्छी चीज़ है ये तो, क्योंकि फीमेल हर जगह उन्हें माइनर मेजोरिटी कहा जाता है उन लोगों को, तो अगर इन सब चीजों में हमें लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी तो अच्छी बात है। क्योंकि तो महिलाओं को प्रायोरिटी दे रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है और पैनिक बटन लगाया जा रहा है, सिटी बस में भी पैनिक बटन लगेगी और परिवहन विभाग की तरफ से आदेश भी हो चुका है, कितना सही है क्योंकि अब महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है? ये सब मैम बहुत अच्छा हो गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और दूसरी बात है, कितनी गर्मी के मौसम में एसी बस में आपको सफर करने का मिल रहा है, हम लोगों के लिए कोचिंग जाना पड़ता है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ओला उबर में भी ये पैनिक बटन लगाया जा रहा है, ओला उबर जो ड्राइवर चलाते थे बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या सही है? नहीं, ये सुविधाएं देनी चाहिए महिलाओं को, पहले प्राथमिकता देनी चाहिए महिलाओं को। बिल्कुल। तो प्रथम प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अलॉट कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पैनिक बटन लगाए जाए और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।